हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी यूपीएलटी ग्रेट एमपी टेट अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको मैं इस समय करा रही हूँ डेली बेसिस पे। प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। जैसे कि ये सेट ए का अभ्यास 4 है दोस्तों, इस प्रकार की 15 से 16 सेट है, जिसमें से हर एक सेट में 10 से 12 अभ्यास है। कुल मिलाकर के आपके 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस होंगे, तो इसका डेली बेसिस प्रैक्टिस कीजिए। आपने जो थ्योरी पढ़ा है, नोट्स पढ़ा है, उस सब का इससे प्रैक्टिस के माध्यम से अपना स्कोर चेक कीजिए। चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ। तो क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीखने का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने का सिद्धांत जो इनका है वो प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत तो को आधार मानकर इन्होंने बनाया, यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। यहाँ भी आपको प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत या ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है, तो इसको याद रखना है थॉर्नडाइक ने। सीखने का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने। और सीखने के इन्होंने एक मुख्य नियम, एक गौण नियम दिया है। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 मुख्य नियम दिया है, तत्परता का नियम यानी कि रेडीनेस, और अभ्यास का नियम यानी एक्सरसाइज का नियम, प्रभाव का नियम यानी कि इफेक्ट, जिसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है, तत्परता का नियम जिसे तैयारी का नियम, माइंडसेट का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस कहा जाता है। यानी कि जो भी बच्चा कोई सीखना चाहता है, क्या वो मानसिक रूप से तत्पर यानी तैयार है या नहीं। जैसे कि आपके फिजिकल एजुकेशन में वार्मिंग अप जो होता है वो क्या होता है, तत्पर किया जाता है। कोई भी क्रिया या खेल क्रिया प्रारंभ करने से पहले उसके बॉडी को, मसल्स को, हर एक अंग को तैयार किया जाता है वार्म अप के द्वारा। तो वार्मिंग अप क्या किस में आ जाएगा, तत्परता यानी रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस के यानी तैयारी का नियम, माइंडसेट का नियम के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा नियम इनका है सीखने का मुख्य नियम के अंतर्गत अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम के अंतर्गत बात होता है कि अभ्यास जो है वो कुशल बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी कि जिस चीज़ का आप बार बार उपयोग करेंगे, बार बार उसको नियमित बार बार दोहराने से वह अधिक प्रभावपूर्ण स्थायी रूप से उसको सीख सकते हैं। बट लेकिन जब आप उसका उपयोग नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, तो वह धीरे धीरे विस्मित हो जाता है, भूल जाता है। यानी उपयोग अनुपयोग का नियम भी अभ्यास के नियम को कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा इनका मुख्य नियम है प्रभाव का नियम या परिणाम या संतोष का नियम भी कहा जाता है। इसको लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या लॉ ऑफ इफेक्ट नियम कहा जाता है, ठीक है। तो संतोष असंतोष, जिस कार्य को आप को करने में संतोष मिलता है, उसका उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जैसे कि कोई पुरस्कार दिया और प्रशंसा किया, आपका रुचि उसमें है, तो आप ऊर्जापूर्वक ऊर्जान्वित पूर्वक उसको कार्य को करते हैं। अगर उस कार्य में आपको संतोष नहीं मिलता है, आपको कोई दंड देता है, भय दिखाता है, उस कार्य में अरुचि है, तो आपको कुंठा या असंतोष उत्पन्न होता है। इसलिए प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, जब बाल्यावस्था में होता है तो सबसे ज्यादा वो प्रभावित होता है अपने परिवार से, ठीक है, उसके बाद विद्यालय से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्राथमिक प्रवृत्ति इसमें कौन नहीं है, तो अनुराग, भूख, प्यास, ये जो है आपका प्राथमिक प्रवृत्ति है, बट सेक्स जो है वो प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट है, अगर 23 दल हैं तो एक नॉकआउट प्रतियोगिता के लिए कितने बाई दिए जाएंगे? दोस्तों, तो बाई निकालने का सूत्र होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आपका हो जाएगा 2 × 4 × 8 × 16, यानी कि एक बार और हम गुणा करेंगे, 2 × 32, यानी कि 2 के पावर 5 आ रहा है। यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, 32 − 23, यहां पे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9, ठीक है। यानी कुल कितने बाई दिए जाएंगे, तो बाई निकालने का सूत्र है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 − n।
यानी कि नेक्स्ट पावर ऑफ 23 से ज्यादा जहां पे आएगा वहां पे आप रुक जाएंगे, 2 × 4 × 8 × 16 16 23 से कम है, एक बार और जाएंगे 32, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर जितनी बार जितना आया उसमें से आपको जितना भी टीम दिया है उसमें घटा देंगे, आपका 22 आ जाएगा कि कितना दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता में खेलने की योजना के प्रारंभिक रूपरेखा को कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी चीज करने के प्रारंभिक रूपरेखा को हम क्या कहते हैं, तकनीकी, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, कौशल, क्या कहेंगे इसमें से, स्ट्रेटजी यानी योजना बनाना, किसी भी चीज को योजना का जो ब्लूप्रिंट होता है उस स्ट्रेटजी रणनीति बनाएंगे सबसे पहले, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेटजी, ठीक है। नेक्स्ट है मां के सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या संरचना क्या होती है, तो जो महिलाओं में होता है वो XX होता है, पुरुषों में XY होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी को यह भी कहा जाता है, हाइड्रोथेरेपी को जल चिकित्सा बोला जाता है, ठीक है, जल के माध्यम से किए जाने वाले चिकित्सा को कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। इसके अंतर्गत बहुत सारे जैसे कि इमरेशन बाथ, वर्लपूल बाथ, जाकुजिया बाथ आदि आते हैं। ठंडे पानी की चिकित्सा जो होती है वो क्रायोथेरेपी कहलाती है, गर्म ठंडा पानी की जो चिकित्सा होती है उसको कंट्रास्ट बाथ बोलते हैं। ये सारे चिकित्सा आपके आते हैं और सभी चिकित्सा के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चिकित्सा के बारे में, जल चिकित्सा, मोम चिकित्सा, इलेक्ट्रोथेरेपी, सभी के बारे में आप जान सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्कोलियोसिस एक शारीरिक कुरूपता है जो संबंधित है, तो स्कोलियोसिस यह आपका रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, यह आपका लेटरल डिविएशन यानी कि आपका हिप जो है एक तरफ और कंधा रीढ़ एक तरफ झुक जाता है और जिससे हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुनः स्थापना की प्रक्रिया में राइस शब्द का क्या अर्थ है, पुनः स्थापना यानी रिहेबिलिटेशन, पुनः वापस आना यानी कि आपको चोट लग गया, चोट लगने के बाद पुनः पहले वाले स्थिति में आने को ही हम कहते हैं पुनः स्थापना या रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, ठीक है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। जैसे कि आपको बताया है कि जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो होता है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ये आपसे इस चीज से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पुनर्वास है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, ये क्या होता है, यानी खेल में चोट लगने के पश्चात उसे पुनः पूर्व अवस्था खेलने की स्थिति में वापस आना ही आपका पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन या पुनः स्थापना होता है। अब पुनर्वास की 3 विधियां होती हैं, आपको ध्यान में ये रखना है, अगर 3 में से कोई भी ऑप्शन 1 आएगा तो आपको सही टिक लगाना है। पुनर्वास की 3 विधियां हैं, व्यायाम विधियां यानी करेक्टिव एक्सरसाइज, और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां, तीसरा है चिकित्सा विधियां। इन 3 विधियां हैं, व्यायाम विधि में से आपका हो जाएगा जनरल एक्सरसाइज एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइज, एंड मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण में आपका हो जाएगा कि उसको आप उत्साह बढ़ाएंगे, उससे इच्छा शक्ति को, आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, और चिकित्सा विधियों में आपका प्राथमिक चिकित्सा सबसे पहले किया जाता है जिसमें से आपको एक राइस, ये राइस सिद्धांत होता है जिसे हम थंब रूल भी बोलते हैं, थंब रूल भी बोलते हैं। तो राइस सिद्धांत में आपका राइस शब्द का अर्थ है राइस में RICE, राइस जो होता है आर से आपका हो जाएगा रेस्ट, आई से आइस यानी कि बर्फ का तुरंत प्रयोग करेंगे आप, सी से हो गया है कंप्रेशन यानी कि आप दबाव डालेंगे, यानी कि जहां पे चोट लगा है उससे पहले के को हृदय की तरफ वाले भाग की तरफ दबाव डालेंगे जिससे जो है उस भाग का रक्त संचरण रुक जाएगा, दर्द कम होगा, सूजन कम होगा, और इसके लिए हम टॉनिक बैंडेज का भी प्रयोग करते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखना है। और ई का मतलब होता है इलेवेशन यानी कि उसको चोटिल भाग को हृदय के ऊंचाई से ऊपर उठाना, बट RICE के स्थान पर वर्तमान में अब प्राइस PRICE का प्रयोग किया जाता है। पी से आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन यानी चोटिल भाग का बचाव करना, आर से रेस्ट हो जाएगा, आई से आइस का प्रयोग यानी बर्फ का प्रयोग हो जाएगा, सी से कंप्रेशन यानी कि दबाना हो जाएगा, ई से इलेवेशन यानी कि आपका हो जाएगा हृदय चोटिल भाग को हृदय के ऊंचाई से ऊपर उठाना, और यस, ठीक है, प्राइसेस यस से आपका हो जाएगा सपोर्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों कि त्वचा के ठीक नीचे पाए जाने वाले वसा को क्या कहते हैं, तो त्वचा के ठीक नीचे पाए जाने वाले वसा को हम कहते हैं सब कुटेनियस वसा, सब कुटेनियस वसा।
नेक्स्ट दोस्तों कि भारी भार प्रशिक्षण के कारण बढ़ने वाले जो पेशी पिंड को क्या कहते हैं। तो भारी भार प्रशिक्षण से बढ़ने वाले पेशी पिंड को हम क्या बोलते हैं, मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं, मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी। ये होता क्या है कि जब नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में वृद्धि हो जाती है, उसमें शक्ति ज्यादा होती है, लचीलापन बढ़ता है तथा ऊर्जा का संचार तेज होता है, उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ये तो ज्यादा भार वाले प्रशिक्षण करेंगे तो ज्यादा होता है, लेकिन और ट्रॉफी किसे कहते हैं, और ट्रॉफी में जो होता है जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, छोटी हो जाती है, शक्ति में कम हो जाती है, यह कंकाल मांसपेशियों के फाइबर को ही प्रभावित करती है। इस प्रकार के छोटी मांसपेशी छोटी या कमजोर शक्ति में कम हो जाती है तो और ट्रॉफी, और नियमित व्यायाम से मांसपेशी में वृद्धि और इसमें शक्ति ज्यादा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। एक होता है हाइपोकाइनेटिक, यानी मांसपेशी का अपेक्षा से ज्यादा आकार में बढ़ जाना, और इसे हम कहते हैं हाइपोकाइनेटिक। क्या कहते हैं, हाइपोकाइनेटिक। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी मसल्स कौन होती है, तो शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी मांसपेशी होती है सार्टोरियस। ये हमारे जांग और कुल्ले से लगी हुई एक लंबे रिबन के प्रकार के ऐसे करके होती है। तो ये आप क्या करती है, जो सार्टोरियस मसल्स होती है यह शरीर की सबसे लंबी मसल्स होती है, इसको टेलर मसल्स भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, टेलर मसल्स भी बोला जाता है सार्टोरियस को। ये क्या करती है, हमारे हिप को मोड़ने में काम करती है, हिप को मोड़ने और घुटने हमारे घुटने को फैलाने में काम करती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है, तो सबसे बड़ी जो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस होती है हमारे हिप की, और सबसे लंबी सार्टोरियस। ठीक है, सबसे लंबी सार्टोरियस, और सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन होती है, तो वो लैटिमस डोर्सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघ के पीछे की पेशियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जांघ की पीछे की पेशियों को बोला जाता है हेमिस्ट्रिंग मसल्स। क्या बोला जाता है, हेमिस्ट्रिंग मसल्स। ये तीन की संख्या में, तीन पेशियों को मिलकर बना होता है हमारे जांग में। ठीक है, हमारे जांग में ये तीन पेशियों से मिलकर बना होता है। मान लो ये आपका पैर है, यहाँ पे आपका घुटने के पीछे एक दो तीन की संख्या में हेमिस्ट्रिंग मसल्स है। तो हेमिस्ट्रिंग मसल जो होता है बाइसेप्स फेमोरिस सेमी मेम्ब्रेनियस सेमी टेंडेनियस, इन तीन पेशियों से मिलकर बना होता है। यह हमारे घुटने को जो है मोड़ने के काम आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इसमें से जो ग्लूटियस है ये शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, और जो गैस्ट्रोनिमियस है उसको हम बोलते हैं, वो हमारे घुटने के नीचे और उस पार की मांसपेशी होती है जो उठा हुआ भाग होता है गैस्ट्रोनिमियस। एंड क्वाड्रिसेप्स जो होता है हमारे ऊपरी जांग के पास की मसल्स होती है, जो चार पेशियों से मिलकर बना होता है। क्वाड्रिसेप्स जो होता है बहुत ही मजबूत होती है, चार पेशियों से, रेक्टस फेमोरिस वास्टस लेटरलिस वास्टस मीडियलिस वास्टस इंटरमीडियलिस, इन चार पेशियों से मिलकर क्वाड्रिसेप्स मसल से बनता है, जो हमारे घुटने को फैलाने में काम आता है। नेक्स्ट दोस्तों, किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन्स का रिसाव किया जाता है किसके द्वारा, तो ये आपका उसके पूर्व तक किया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसको दिया जाता है, तो विशिष्ट खेल प्रशिक्षक को। किसको दिया जाता है, विशिष्ट खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जैसा कि आपको सबको पता है। एंड जो यह पुरस्कार है यह 1985 से दिया जा रहा है, और वर्तमान में इसमें कुल 15 लाख की धनराशि दिया जाता है, और यह नियमित श्रेणी और लाइफ टाइम श्रेणी दो श्रेणी में दिया जाता है, जिसमें से 2022 में आपको चार खिलाड़ियों को नियमित श्रेणी में दिया गया है, जीवन ज्योति सिंह तेज को तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कमर को बॉक्सिंग में, सुमा सिद्धार्थ सिरूर को शूटिंग चालू में, सुजीत मान को कुश्ती में दिया गया है नियमित श्रेणी में, और लाइफ टाइम द्रोणाचार्य में आपको दिया गया है 2022 में दिनेश जवाहर बालक को क्रिकेट में, विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में, राज सिंह को कुश्ती में।
नेक्स्ट है, महिलाओं ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो 1900 पेरिस फ्रांस में महिलाओं ने सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट दोस्तों, जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? दोस्तों तो यह व्यवहारिक वास्तविकता प्रैक्टिकल रियलिटी को इन्होंने प्रतिपादित किया था, और इसमें से प्रकृतिवाद जो है दोस्तों, प्रकृतिवाद के जनक है रूसो, यथार्थवाद रियलिज्म के हैं अरस्तु, आदर्शवाद आर्यिज्म के हैं प्लेटो। क्वेश्चन है कि कंकाल पेशी में सबसे बाहरी संयोजी उत्तक की सतह कौन सी होती है? तो इसमें होती है आपकी एपिमाइसियम। कंकाल पेशी में आपको ध्यान में रखना है कि एक मांसपेशी तंतु को घेरे रहती है एंडोमाइसियम, और मांसपेशी के समूह को घेरे रहती है पेरिमाइसियम, और संपूर्ण मांसपेशी को घेरे रहती है एपिमाइसियम। नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट संधि किस प्रकार का होता है? तो यह स्थिर संधि है कि एक अक्षीय है, कि द्वि अक्षीय है, कि मल्टी अक्षीय है? दोस्तों जो हमारी गति होती है, बॉडी ज्वाइंट जो मूवमेंट होती है, वन एक्सियल, बाई एक्सियल एंड मल्टी एक्सियल होती है। एक अक्ष में गति, द्वि अक्ष में गति और एक कई अक्ष में गति। तो जो हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो हमारा हिप और कंधे का ज्वाइंट होता है, यह मल्टी एक्सियल गति होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा मल्टी एक्सियल ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक द्विसंधि पेशी है? तो द्विशिरस्क पेशी दोस्तों बाइसेप्स की बोला जाता है, बाइसेप्स ब्रोंकी को। नेक्स्ट है, किस अवस्था में माध्यमिक सेक्स गुण उत्पन्न होते हैं? तो ये आपका होता है किशोरावस्था 3 लाइफ में। नेक्स्ट है दोस्तों, 2016 में किस शहर ने ओलंपिक की मेजबानी किया था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था 2016 का 31वां ओलंपिक, और 32वां ओलंपिक 2020 टोक्यो जापान में हुआ था, एंड 33वां ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होगा, 35वां ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, और 36वां ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट, हरबंस सिंह ने एक कौशल की परीक्षा बनाई थी, तो किसमें? हॉकी के लिए हरबंस सिंह टेस्ट इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट, 2010 कॉमनवेल्थ गेम के समय भारत के खेल मंत्री कौन थे दोस्तों? तो 2010 कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल के समय थे सुरेश कलमाड़ी, बट आपको वर्तमान समय में पूछेगा कि भारत के खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर जी हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे करंट से पूछ सकता है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ है, और 23वां कहाँ पे होगा 2026 का? वह विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पे होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक टेबल टेनिस टेबल की लंबाई 9 फीट है, तो उसकी लंबाई मीटर में क्या होगी दोस्तों? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक फीट में कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर होता है? तो एक मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर होता है एक फीट में? तो एक फीट में आपका होता है 30 सेंटीमीटर। तो आपका एक फीट में जब 30 सेंटीमीटर होता है तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 9 × 30, तो 9 × 27 यानी कि 2.74 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 270 सेंटीमीटर का क्या मतलब होगा, यानी कि 2.7 मीटर। ठीक है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपको ये सब भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, निरंतरता की अधिकता वाले खेल के लिए भोजन में प्रचुरता होनी चाहिए। तो जहां पे निरंतरता शब्द आ जाए वहां पे एंड्योरेंस की बात कर रहा है। कंटिन्यूअस मेथड में जो भी चीजें होंगी, निरंतर आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो वहां पे आपकी ऊर्जा की ज्यादा खपत हो रही है, आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, वहां पे आपका कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पेशी की कॉन्सेंट्रिक एवं इसेंट्रिक संकुचन एक भाग है। तो दोस्तों, आपका जो जो हमारा स्ट्रेन को डेवलप करने की जो तीन एक्सरसाइजेज हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। तो जो आइसोमेट्रिक होता है, आइसोमेट्रिक का मतलब होता है सेम लंबाई, यानी मसल्स जो लेंथ होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तनाव बना रहता है। और जो आइसोमेट्रिक होता है उसमें लंबाई घटती बढ़ती है। जब घटती है, यानी हम डंबल का अभ्यास कर रहे हैं, मान लीजिए डंबल हम लिए हैं, इसको ऐसे करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, कंसेंट्रिक हो रहा है। अगर हम इसको कर रहे हैं ऐसे, यानी कि हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनसेंट्रिक, यानी कि फैल रहा है। तो लंबाई बढ़ रही है और कंसेंट्रिक में लंबाई घट रही है। तो लंबाई घटने या बढ़ने की जहां पर बात हो वहां पे गतिशील शक्ति यानी कि आइसोटोनिक कंट्रक्शन होगा, आइसोटोनिक संकुचन होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मासिक धर्म के चक्र का सामान्य समय होता है तो ये 28 से 30 दिन का सर्कल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि 5 अंकों का माध्य 25 है तथा मानक विचलन 0 है तो 5वें अंक का मान क्या होगा। अगर 0 है तो उतना ही मान हो जाएगा आपका, कोई दूसरा अंक होता तो और कुछ होता, तो 0 होते 25 ही होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, ये आपका स्टेटिक्स यानी कि सांख्यिकी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, परक्यूजन मैनिपुलेशन का दूसरा नाम क्या है। परक्यूजन मैनिपुलेशन ये मसाज से क्वेश्चन है और मसाज से एक दो क्वेश्चन अवश्य रहता है। और मसाज के बारे में मैंने एक वीडियो में ही आपको सभी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। तो मसाज वाले एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। चारों प्रकार के मसाज, जो स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, प्रेशर मैनिपुलेशन, परक्यूजन मैनिपुलेशन, शेकिंग, इन चारों प्रकार के बारे में मैं एक ही वीडियो में बहुत कम समय में आपको कन्फर्म करा दिया है। तो परक्यूजन मैनिपुलेशन जैसे कि चार प्रकार का होता है, इसके लिए मैं ट्रिक बनाई हूँ SPPS, यानी कि S से होगा स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन यानी सहलाने की हस्तकौशल विधि, P से होगा प्रेशर मैनिपुलेशन यानी दबाने की हस्तकौशल विधि, फिर P से होगा परक्यूजन मैनिपुलेशन थपथपाने की हस्तकौशल विधि, एंड चौथा होगा आपका सैकिंग मैनिपुलेशन यानी कि झकझोरने की हस्तकौशल विधि। तो यहाँ पे जो पूछा है परक्यूजन मैनिपुलेशन यानी कि थपथपाने की जो हस्तकौशल विधि होती है, इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं। दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं टेपोटमेंट के नाम से। किस नाम से, टेपोटमेंट के नाम से। नेक्स्ट, हॉकी खेल शुरू होता है तो हॉकी खेल जो होता है वह सेंटर पास से शुरू होता है। नेक्स्ट है, लॉन्ग जंप में बराबरी होने पर प्रथम स्थान निश्चित किया जाता है। तो लॉन्ग जंप में जब बराबरी यानी कि टाई हो जाए तो प्रथम स्थान हम कैसे निश्चित करेंगे, तो एक बार और उसको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मौका देंगे, यानी कि अगला सबसे अच्छा परिणाम देखकर हम क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। नेक्स्ट है, एक्सपेडाइट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो एक्सपेडाइट सिस्टम का उपयोग टेबल टेनिस में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेडाइट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है टेबल टेनिस में। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज होने का क्या कारण है। दोस्तों, हाइड्रोफोबिया जो होता है कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है, कुत्ते के काटने से फैलता है, यह वायरल डिजीज है। नेक्स्ट दोस्तों, 50वां प्रतिशांक जाना जाता है। तो 50वां प्रतिशांक आपका माधिका के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, बास स्टिक परीक्षण उपयोग किया जाता है। तो बास स्टिक परीक्षण किस क्या करने के लिए, क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बास स्टिक परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह संतुलन यानी बैलेंस को मेजर करने के लिए काम आता है, बैलेंस को मेजर करने के लिए काम आता है।
ठीक है, तो बैलेंस को मेजर करने के लिए आपका है लेवलोमीटर, वेस्टिबुलर एंड बॉस स्टिक टेस्ट, ठीक है, इस सब को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊंचाई पूछे चाहे शरीर की लंबाई पूछे, इन दोनों कंडीशन में आपका प्रयोग किया जाता है स्टेरियोमीटर। क्या प्रयोग किया जाता है? स्टेरियोमीटर। एंड स्ट्रेंथ यानी ताकत को मापने की बात कहें तो डायनेमोमीटर, एंड आपका फ्लेक्सिबिलिटी मापने के लिए गोनियोमीटर, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सीट एंड रीच टेस्ट, एक परीक्षा है क्या मापने के लिए दोस्तों, सीट एंड रीच टेस्ट किसको मापता है, तो यह आपको यहां पे ऑप्शन दिया है चपलता, सामंजस्य, ताकत, इन तीनों को नहीं मेजर करता है दोस्तों, यहां पे आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या मापता है सीट एंड रीच टेस्ट? फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन को मेजर करता है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। सीट एंड रीच टेस्ट मापता है फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए और कौन कौन से होते हैं, सीट एंड रिच टेस्ट हो गया, टीजी टेस्ट हो गया, एंड शोल्डर एंड रिस्ट एलिवेशन हो गया, साइड स्प्लिट टेस्ट हो गया, ब्रिज अप टेस्ट हो गया, गोनियोमीटर, फ्लेक्सोमीटर आदि टेस्ट होते हैं आपके फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए। एंड एजिलिटी टेस्ट करने के लिए साइड स्टेपिंग टेस्ट, ऑब्स्टेकल रेस एंड बॉडी हर्डल रेस, एंड आपका बर्फी टेस्ट, शटल रन, सेमो एजिलिटी टेस्ट, राइड बुमेरिंग टेस्ट एंड डजिंग रन टेस्ट, ये सब आपका होता है एजिलिटी। तो आपको सभी मापन की इकाइयों को मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, तो उस वीडियो को देख करके सभी मापन इकाइयों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है मानक विचलन किस केंद्रीय प्रवृत्ति के मांक के मार्क से अन्य अंकों के फैलाव को दर्शाता है, तो यह आपका होगा माध्य। नेक्स्ट है हृदय परिसंचरण दृढ़ता मापने की परीक्षा है, तो दोस्तों हम कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को हम किससे मापेंगे, यहाँ पे हुआ आपका ऑप्शन है 50 मीटर फर्राटा, तो इसमें तो हम स्पीड को मेजर करेंगे, शटल रन में एजिलिटी को मेजर करेंगे, तो यहाँ पे आपको हृदय परिसंचरण दृढ़ता यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को हम मापेंगे 12 मिनट कूपर दौड़ या वॉकिंग परीक्षा में, चालन परीक्षा में, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है जो भी लंबी समय की क्रियाएं होंगी, इंड्योरेंस जो डेवलप करेंगी उसमें आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस डेवलप होगा और उसको मापा जाएगा, तो 2 मिनट से ज्यादा की जो क्रियाएं होंगी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस में आ जाएंगी, इंड्योरेंस में आ जाएंगी यानी एरोबिक क्रियाओं में आ जाएंगी, और 2 मिनट से कम समय की जो क्रियाएं होंगी और बिना ऑक्सीजन के वो आपको अनएरोबिक में आ जाती है। नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धमनी रक्त को हृदय से QSOM प्लस KSA की ओर ले जाती है, तो यहां आपको हृदय से कहां ले जाने की बात कर रही है, तो यहाँ पे हृदय से आपको फेफड़ों में ले जाने की बात कर रहा है, तो हृदय से फेफड़ों की तरफ शुद्ध होने के लिए कौन सा धमनी ले जाता है, तो वो पल्मोनरी धमनी यानी फुफ्फुसीय धमनी ले जाता है, ठीक है। फिर वहां से शुद्ध होकर के आता है आपके पल्मोनरी शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनी यानी एरोटा के द्वारा समस्त शरीर में भेज दिया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन करता है, तो वह कोरोनरी धमनी करती है। नेक्स्ट है परिपक्वता के आने तक कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गायब हो जाती है दोस्तों, और वह बहुत छोटी होती है, तो वह होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है परिपक्वता अवस्था आने पर? थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट है एक हृदय चक्र में वेंट्रिकल सिस्टोल तथा वेंट्रिकल डायस्टोल का क्या अनुपात होता है दोस्तों, तो वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल दोनों का अनुपात होता है 0.3 सेकेंड आपका वेंट्रिकल सिस्टोल का समय होता है एंड वेंट्रिकल डायस्टोल का समय होता है 0.5 सेकेंड, यानी कुल 8 सेकेंड का एक हृदय चक्र होता है, ठीक है, 0.8 सेकेंड का एक हृदय चक्र होता है।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि जिसमें दिशा की केवल दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं अदिश राशि, यानी कि बिना दिशा का। सदिश राशि यानी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशि। तो इसमें कौन सा आपका अदिश राशि है? जो अदिश राशि जो आयतन है आपका, वो आपका अदिश राशि है। आयतन जो है आपका क्या है? अदिश राशि है आयतन, ठीक है। उसमें से आपका वजन जो है, वजन क्या है? सदिश राशि है। वेग भी सदिश राशि है और गुरुत्वाकर्षण भी सदिश राशि है। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक में विजेता को क्या पुरस्कार दिया जाता था दोस्तों? तो प्राचीन ओलंपिक जो है उसमें विजेता को दिया जाता था जैतून के पत्तों का मुकुट। प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में से 394 ईस्वी तक चला और 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने उस पर रोक लगा दिया। उसके बाद 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक, प्रथम आधुनिक ओलंपिक शुरू हुआ 6 अप्रैल 1896 में उसको शुरू कराने का श्रेय जाता है बैरन पियर डी कोबर्टिन, जिसको आधुनिक ओलंपिक के पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह संस्था जो ओलंपिक खेलों में भारतीय दलों के हिस्सेदारी का निर्धारण करती है, तो दोस्तों वह संस्था जो ओलंपिक खेलों में भारतीय दलों के हिस्सेदारी का निर्धारण करती है वह कौन है? तो IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। इसकी स्थापना 1927 में दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है पीटी उषा, यानी भारत के IOA की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में RTS शब्द क्या दर्शाता है? तो ओलंपिक आदर्श वाक्य है CTS, RTS, FORTIS, यानी कि फास्टर हायर स्ट्रांगर, यानी कि CTS फास्टर, RTS हायर, हायर यानी कि और ऊंचा, ठीक है, और ऊंचा, सबसे ऊंचा यहाँ पे हो जाएगा। हायर मतलब सबसे ऊंचा, RTS का मतलब होता है सबसे ऊंचा, ठीक है। CTS, RTS, FORTIS ये हमारा आदर्श वाक्य यानी ओलंपिक मोटो है। चौथा इसमें जुड़ गया है कम्युनिटर, इसका अर्थ होता है टुगेदर यानी कि साथ साथ चलना। नेक्स्ट है, वह परीक्षण जो प्रतिक्रिया समय बताता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है खड़े होकर लंबी कूद। तो खड़े होकर लंबी कूद वो हमारी एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग को मेजर करता है, जो हमारा शटल रन है ये हमारी एजिलिटी को मेजर करता है, और यहाँ पे आपका है स्टिक ड्रॉप टेस्ट एंड रूरल टेस्ट। यहाँ पे आपका स्टिक ड्रॉप टेस्ट और रूरल टेस्ट ड्रॉप टेस्ट ये दोनों को दोनों आपका मेजर करते हैं प्रतिक्रिया समय या रिएक्शन टाइम को। तो यहाँ पे कोई एक ऑप्शन सही नहीं होगा, दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों? तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, एंड ए फारेनहाइट में हुआ, एंड सेंटीग्रेड में आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और दोस्तों इसी तरह आप प्रैक्टिस लगाते रहिए, जितने भी आपने पढ़ा है थ्योरी सेशन उसका स्कोर चेक करने के लिए डेली बेसिस में मेरे चैनल पर प्रैक्टिस लगाइए, और थ्योरी भी पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर सभी थ्योरी वीडियोज हैं टॉपिक वाइज। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।